अरे मॉम आप कहाँ रह गई हैं? अरे भाई मैं बस पहुँच गई हूँ। अच्छा ठीक है, आप इस वक्त जहाँ भी हैं मैं वहीं आ जाता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे रुके वेट नहीं हो रहा है मुझसे मजीद। बेटा आखिर जल्दी क्या है, तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो ना? मैं आपको मिलके सब बता दूंगा ना। ठीक है बेटा बस आ रही हूँ मैं। लेकिन परेशान हो गई हूँ कि क्या हुआ है बताओ ना। मुझे बहुत टेंशन हो रही है बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ मॉम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देखा तुम लोगों ने कितना मजा आया यार, बस अब थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, बहुत थक गए हैं। हाँ लेकिन यार मैं बहुत ज्यादा थक गई। हाँ लेकिन मजा तो आया ना, एक काम तो अच्छा हो गया सब में, तुम्हारा कम से कम आयास का रोना तो बंद हुआ। यार तुम लोग अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, दिख रहा है मुझे, लेकिन मैं वाकई परेशान हूँ यार। ये वो आयास नहीं है जिसे मैं जानती हूँ यार, कॉल करूँ क्या मैं उसे? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जैसा कि फिजा ने कहा था कि मर्दों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है। शायमा ने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम उसे कॉल नहीं करोगी बिल्कुल। अरे इन्हें छोड़ो सीनिया, कॉल करो तुम और उससे पूछो, सब कुछ खैरियत तो है ना, चलो कॉल करो। शाबाश शाबाश। यार तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम्हें क्या पता कि प्यार में कितने मसले होते हैं? बात सुनो, तुम उसे बिल्कुल कॉल नहीं करोगी। अल्लाह अल्लाह यार, शादी हो गई है तो क्या हो गया, वो किसी मुसीबत में भी हो सकता है। मेरी बात सुनो, उसे कॉल करो तुम, हो सकता है उसे किसी से बात करने की जरूरत हो, है ना, करो कॉल। अच्छा ठीक है यार बस बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ मुझे कंफ्यूज कर रहे हो और कुछ नहीं। अयास की कॉल। हाँ मैंने कहा था ना, उठाओ उठाओ। कहो मेरी जान क्या हुआ? आखिर कोई हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा, और कितना इंतजार करेंगे यहाँ? रिलैक्स रहो मेरे भाई, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगी, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो मेरी जान। लेकिन किसी को हमें कुछ बताना तो चाहिए था ना, कब से यहाँ खड़े हुए हैं? डॉक्टर साहब अब कैसी तबीयत हो, वो ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? अभी बात हुई है डॉक्टर से, आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें। लेकिन कोई खतरे की बात तो नहीं है, वो ठीक तो है ना? नहीं शायद अभी नहीं, अभी उन्हें बहुत से टेस्ट करने होंगे, MRI करना है, वो होश में नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि कोई अंदरूनी चोट नहीं होगी शायद। अल्लाह शिफा दे उन्हें। मगर तुम तो ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, बस मेरी मॉम ठीक हो जाए, वो जब ठीक हो जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी जान बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, वो तुम्हारी माँ है और माँ से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, इस वक्त इससे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अयाज क्या मैं मिल सकती हूँ उनसे? एक वक्त में एक ही शख्स जा सकता है, अभी बाबा अंदर है। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो मेरी जान। ठीक हूं मैं। ठीक है तुम आराम करो। सर पेशेंट को अब ज्यादा से ज्यादा आराम करने दीजिए। शुक्रिया बेटा। मॉम ठीक हो जाएंगी बाबा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन मैं वाकई बहुत डर गया था। मैं भी बहुत ही खौफनाक होता है किसी अपने को इस तरह से अपनी आंखों के सामने ऐसी हालत में देखना। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा किया है, चाहे कुछ भी हो। देखो
सब कुछ ठीक था जब तक मुझे पता था कि वो बिल्कुल ठीक है, हर चीज दुरुस्त थी। लेकिन अभी वो, वैसे अगर किसी वजह से आपको आपको मॉम से अलग रहने पर मजबूर किया जाए तो फिर तो मैं वो भी बर्दाश्त कर जाऊंगा, लेकिन वो ठीक रहे, यही सच्चा प्यार होता है। मुझे देर में एहसास हुआ, यानी किसी इंसान से मोहब्बत हो तो उसकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक कहा, इंसान को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। खुदा का शुक्र है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। अनम मेरी पूरी कायनात है, मुझे तो उसे रोज थैंक यू कहना चाहिए। मैं उसे खोना नहीं चाहता, और मेरे जितने दिन भी बाकी हैं मैं उसके साथ गुजारना चाहता हूं। एक्सीडेंट से पहले मॉम मेरे साथ फोन पर बात कर रही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे बहुत पछतावा है कि अगर मैंने उन्हें फोन ना किया होता तो ये सब कुछ उनके साथ ना होता। ऐसा मत सोचो बेटा, ये एक हादसा था। हाँ, लेकिन सब हुआ तो मेरी वजह से, जो कुछ हुआ है मैंने किया है। अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं होगा उसे, सब ठीक हो जाएगा, देखना। जी इंशाल्लाह। वैसे मॉम की और जीने की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं उनके लिए बाबा। मैं अच्छी तरह जानता हूं बेटा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। कुछ नहीं, मैं जितना प्यार मॉम से करता हूं उतना जीनिया से भी करता हूं। काश के हमेशा हम एक साथ रहे। ओ, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है तुम्हारे बूढ़े होने में बेटा, यानी अभी तो तुम दोनों जवान हो। किसी को नहीं मालूम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन कल कहां होता है। वाकई बहुत डर गया, मुझे माफ कर देना बेटा, अपनी तकलीफ में तुम्हारी तकलीफ तो नजर ही नहीं आई, माफ करना। अयास, कहीं कोई और बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अयास, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूं।